मैं तो कह रहा हूँ जनता से पलवल की जब भैया एक और जिता दो नहीं तो फारिग करूंगा। देखो सुभाष चौधरी के चारों चुनाव याद रहेंगे, चौदह वाला कम रहे, 2009 का याद रहेगा, पहली तरह बार करंदलाल को आपने हरा दिया, ये याद रहेगा लोगों को। जनता हरियाणा में, पूरे हरियाणा, हरियाणा में एक दंगा पिटा था, यार मान की मुझे लोग देखना थे, उसके बाद कभी हार जाए फिर कोई बात, पहला चुनाव हारने की बात थी। मैं मक्कू जी आपको बता दूं, चंडीगढ़ हॉस्टल में मुझे हरियाणा का आदमी देखना आता था, भगवान से तो डरूं मैं, इनसे क्यों डरूं? ठीक बात है, मेरे को ईडी है छापा, ईडी वाला आएंगे। मैं तो सुभाष चौधरी को 35 साल से जानता हूँ, एक मजबूत और दबंग और बुलंद आदमी सुभाष चौधरी, मैं जानता हूँ अच्छे से। मैं तो जनता आदमी को, क्योंकि मैं स्पष्ट आपके सामने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपको बड़े अच्छे से, आपको घर से, आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी है आप, परिवार है हमारा, यूं मानो। और एक सच्चे आदमी के साथ जब ऐसा होता है तकलीफ आती है, ऐसी आती है कि यार राजनीति को छोड़ के अपने सामाजिक काम में रह जाओ। लास्ट मेरे कैबिन में सोचता हूँ ये छोड़ दो, कुछ गोत नहीं पाल नहीं, ये समाज की गंदगी है, ये तो गंदगी है। लोग आम जनता छोटी तो मुझे चाहती है, नेता तो कैसे चाहेंगे, नेता ने तो मैं बर्दाश्त ही ना हूँ, क्योंकि मैं अब कई ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं कहनी चाहिए, कहीं नहीं। बीजेपी में कितनी लाइन लग रही टिकट, खूब लंबी लाइन, ठीक। अब फारिग हो गई हवा कांग्रेस की चली, तब फारिग होगी पलवल तो, और दो तीन लोगों की चर्चा है, वो ज्यादा 12-15 तो फारिग हो गए। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा में चुनाव है, चुनाव की गतिविधियां इस समय बड़े जोरों पर हैं। चुनाव के अंदर तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तैयारी होती है प्रशासनिक कि चुनाव कैसे कराया जाए, दूसरी चुनाव होती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि किन को कैंडिडेट बनाया जाए, और तीसरी तैयारी होती है नेताओं की, जो राजनेता होते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़वाना होता है, कि आखिर किसकी हवा बने, किस तरफ जाएं, किसका रुख ठीक बने, ये सब कुछ राजनेताओं के लिए होता है। पलवल के पूर्व विधायक हैं सुभाष चौधरी, 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर विधायक बने थे, 2014 का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर लड़े लेकिन चुनाव लूज कर गए, 2019 का चुनाव लड़ा नहीं, एक राजनीतिक दौराहे पर थे, और अब 2024 है। विधायक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मग्गू जी आपका, आपके काफ़ी दिन में दर्शन हुए जी। विधायक जी क्या दोबारा एक बार राजनीतिक दौराहे पर हैं? 2019 में था आपने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी थी और आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी, यही दिन थे लगभग, चुनाव डिक्लेयर हो गया था और आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी बीजेपी ज्वाइन करने की। वो इंतजार घड़ियां तब खत्म हुई जब चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म हो गए, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मंगू जी। अब 2024 है, वही समय नजदीक आ गया, चुनाव डिक्लेयर हो गया, 5 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। सुभाष चौधरी अब भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, उस समय इनेलो छोड़ी थी, अब बीजेपी छोड़ी थी जी। मुझे पता लगा आपका मन है कांग्रेस में जाने का, उस समय भाजपा का रास्ता आप कहते थे कृष्णपाल गुर्जर ने नहीं खोलने दिया, अब कांग्रेस का रास्ता कौन नहीं खोलने दे रहा? मुझे बड़ी अच्छी बात कही आपने, 19 पे दो राय खड़े, गुर्जर समाज में के एक दुर्भाग्य है जी, और मैं ये कहूँ हमारे ना तो कोई नेता है, सुभाष चौधरी खुद नेता हैं नहीं, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, सीनियर लोग हैं जिन पर ठेकेदारी है, अच्छा, जिस पे समाज की ठेकेदारी है कृष्ण पाल गुर्जर पे, समाज की ठेकेदारी चौई महेंद्र प्रताप पे, समाज की ठेकेदारी सचिन पायलट पे, समय सचान उसकी ठेकेदारी यूपी से दो तीन नेता हैं, चाहे उनको मान लो नागर साहब हैं जो सुरेंद्र नागर जी हैं, कौन है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। मक्कू जी आपने एक बड़ा अच्छा करा, 19 में कृष्ण पाल गुर्जर के मैं चक्कर काटता रहा सिर्फ इसलिए कि भाईचारे समाज के लिहाज से कि भाई मुझे ज्वाइन करवा ले, बीजेपी ज्वाइन करवा ले। मैं खट्टर साहब से मिल आया,
खट्टर साहब ने अध्यक्ष जी को कहा मिल लो, ज्वाइन कर लो। इस आदमी ने सब जगह ये कह दिया बीजेपी के, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर कह रहा हूँ, सब कह में गुर्जर एक हो जाए, गुर्जर एक तो जब हो, जब ये ऐसे ये जो घटिया सतर के जो हमारे नेता हैं वो एक होने भी ना दें, क्योंकि एक हो गए तो इन्हें कौन पूछेगा। मैंने सब जगह मारा, लास्ट में जाके एक बड़ा सीनियर वो थे बीजेपी, वाणी की चौधरी साहब, आपको कृष्णपाल गुर्जर किसी हाल में बीजेपी ज्वाइन नहीं होने देगा। लास्ट में मैं 100-200 150-200 लोग इसके पास ले गया। इसके द्वारे दो बात हुई, टेलीफोन मिलाता रहा। मैं बता रहा हूँ अपने समाज के लोगों को। हाँ, अच्छा। 150-200 लोग बैठे। इस चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन 15-20 मिनट आध घंटा जब हम बैठे मिला नहीं। अच्छा, दुर्भाग्य हमारे समाज के। हमारे समाज के दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को नेता मान रहे। फोन नहीं मिला। फोन मिला है तो मिला है ना। अच्छा, और वो कह गया वह हमारे नेता ने टेलीफोन तो मिला है। अरे किसके मिला रहा हो यू? ये केंद्रीय मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, दोनों एक ही थे, एक ही बात थी। उसके बाद उसकी मैं तो आज तक कह रहा हूँ, आज टेलीफोन आज तक तो मिलाना है। चलो ये तो रही कृष्णपाल गुर्जर, रात गई बात गई, रात गई बात गई, ठीक। अब हमारा लगो, हमने जब बीजेपी छोड़ी तो हमने जो कृष्णपाल की करी, अगर हमारा ढंग का समाज होता और ये कहता कि ये लड़ाई सही है, कौन सा समाज? जिन 200-250 लोगों को मैं ले गया था इसके पास मिलवाने में, ना मैं बीजेपी में मिलवाया टिकट की, दूसरी बात उस समय की बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक। आज वो लोग वहीं चले जा, भाई हमारा नेता तो यूं है। हमारे दुर्भाग्य इसलिए फूटे पड़े हैं, खराब हैं, ये मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया कृष्णपाल गुर्जर का। अब चौराहे पे आ जाओ, चौराहे पे दोराहे पे मेरे फिर वही भाग में जो फूट के मेरे ही फूट रहे। महेंद्र प्रताप जिस दिन उसका कोई बस्ता नहीं उठा रहा था पलवल में, सुभाष चौधरी ने सबसे पहले महेंद्र प्रताप की पंचायत करी, पंचायत करी, दफ्तर खोला। मैंने खोला। आज चौधरी महेंद्र प्रताप मेरे साथ खड़े हो गए, कहने को तैयार नहीं हाई कमांड में कि इस आदमी ने मेरा कार्यालय खोला, मेरा दफ्तर चलाया, और करण दलाल ने तो मुझे ना वोट दिवाई ना मेरी मदद करी। तो मैं कहता हूँ मेरा ही नहीं, मेरे समाज का ही दुर्भाग्य है। क्यों नहीं कह रहे महेंद्र प्रताप? शायद हो सकता है विजय प्रताप बेटे को लड़ाना चाह रहा, और हो सकता है वो टिकट काट दे उठा उसकी, कहीं डर लगता है सुभाष चौधरी बड़ा नेता ना बन जाए कहीं है। नहीं, सुभाष चौधरी तो इन पर देखो, मैं चौधरी महेंद्र प्रताप पर कृष्णपाल गुर्जर में भी जमीन आसमान का फर्क है। कृष्णपाल गुर्जर तो दूसरी कला खेल के जी रहा है, महेंद्र प्रताप में उसमें फर्क है, वो हमारा सीनियर है। लेकिन मैं वो सीनियर है क्या करूँ मैं उसको, मेरी मदद ही ना कर रहे, 4 महीना से ये घुमा रहे, आज मिलवाऊँ कल मिलवाऊँ आज मिलवाऊँ आज ज्वाइन करवाऊँ। हार थक के फिर मैंने छोड़ के और गया कहीं, फिर मैंने अपना रास्ता बनाया। सुभाष चौधरी जी, राजनेताओं को दिक्कत ये हो कि आप टिकट मांग रहे हो। आपने महेंद्र प्रताप जी से ये भी कहा कि टिकट दिलवाओ मुझे या ज्वाइन करवाने के लिए कह रहे हैं? पहले मैंने कहा जी मदद करो मेरी, ज्वाइन भी करवाओ, टिकट की भी कहो। ये आदमी मेरे से साफ कह दे मैं ज्वाइन तो करवा दूंगा, टिकट ना है तो मिलवा दे, ज्वाइन करवा दे, फिर मैं अपना रास्ता ढूंढूंगा। मतलब ना टिकट की लड़ाई में साथ, ना जुड़वाने की लड़ाई में साथ? मैं हाँ, ना टिकट की, ना टिकट की तो नाट भी रहा था। अच्छा, टिकट बात ना बने। अरे मन की मिलवा तो सही टिकट, फिर मैं अपनी लाइने देखूंगा। हाँ। 3 महीना वही कृष्णपाल वाला दोहराया आ गया मीरजान को। अगर पार्टी में शामिल हो जाए कोई नेता, पार्टी की ताकत बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्यों ना बढ़ेगी, पार्टी का कारमा बढ़ेगा। नेता अगर पार्टी में आएंगे फिर आपको क्या लग रहा है? केवल आपने कहा कि उन्हें लगता हो कि विजय प्रताप की ना कट जाए, ये कहा कुछ और? यही है मुझे लगता है, मुझे कुछ लगता बात नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है, मुझे सुनने में आ रहा कि इन्होंने हाई कमांड को दलाल के खिलाफ लिख के दिया। आपने चिट्ठी देखी है वो? मैंने देखी है, लेकिन कॉपी ना ली, देखी है मैंने ये चिट्ठी। एक बम होते हैं विधायक जी। हाँ, बम है, चिट्ठियाँ बम होती हैं। हाँ, करण दलाल भी कहता है कि मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखी थी कांग्रेसियों ने। हाँ, अब आप कह रहे हो कि महेंद्र प्रताप ने चिट्ठी लिख दी फिर करण दलाल के खिलाफ।
लिखी गई। हाँ, मेरा आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरा मुद्दा भी यही है कि कांग्रेस 2019 में कृष्णपाल के खिलाफ रहा, कृष्णपाल को वोट दिवाए करण दलाल ने, ठीक, अवतार सिंह बड़ाना के खिलाफ रहा, ठीक है, अब 24 में भी वही सतेज है। चलो वो तो करण दलाल हो गया है? मैं तो आपसे दो, मेरा सवाल तो सीधा सा एक है चौधरी साहब, कृष्णपाल गुर्जर की मदद की, मदद नहीं मिली आपको? नहीं मिली। महेंद्र प्रताप की मदद की? नहीं मिली। मदद नहीं मिली है? टीस तो उठती होगी मन में कहीं, क्यों ना मैं क्या करूं यार, ये समाज कहता है क्या यार, सुभाष चौधरी में ही कुछ ना कुछ खराब हो। चलो आप कह रहे हो कृष्णपाल तो 56 का अवतार है, आपने भी कहा, आप कह रहे हो महेंद्र प्रताप बहुत सीनियर आदमी, फिर भी सीधा फिर मदद क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं कर रहा, अब डर रहा, 56 का अवतार तो मदद नहीं करे, कोई बात नहीं, 56 कला अवतारी अगर मदद नहीं कर रहा बिल्कुल कह देंगे भी चलो नहीं करी बिल्कुल। पर जो स्पष्ट आदमी है, जो सीधा आदमी, आप कहते हो बहुत बड़े चौधरी हैं, चौधरी मैं तो कह रहा हूँ हमारे नेता भी है, ठीक, हमारे नेता भी हैं और मैं भी बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े सीनियर आदमी हैं, सारा इसी सीनियरिटी में तो उन्हें वोट मिल गई, उनके नाम की एक छवि गए आदमी बढ़िया, रिक्शा वाला कह रहा आदमी बढ़िया, वोट की सदे को मैंने पढ़ता है जाने, सुभाष चौधरी क्या कहेंगे, भारत भी बढ़िया है, अब तो कह रहा हूँ मैं बढ़िया है, कौन कह रहा मैं बढ़िया, मैं तो मान लो अपने बेटे के लिए मान, मेरी तो आज तक इन्होंने मुलाकात ना करवाई, दुर्भाग्य नहीं है मेरे समाज का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपको कहना चाहिए था भैया तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा हूं मैं तो, इन सबको मग्गू जी भगवान जाने, मैं तो भगवान से तो डरू, मैं इनसे क्यों डरू, ठीक बात है, मेरे को ईडी है छापा, ईडी वाला आएंगे, मैं तो सुभाष चौधरी को 35 साल से जानता हूँ, एक मजबूत और दबंग और बुलंद आदमी सुभाष चौधरी, मैं जानता हूँ अच्छे से, हमने तो जनता लड़ाई बिना आदमी को, क्योंकि मैं स्पष्ट आपके सामने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपको बड़े अच्छे से, आपको घर से क्यों, आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी है आप, परिवार है हमारा, यूं मानो ना, और एक सच्चे आदमी के साथ जब ऐसा होता है तकलीफ आती है, ऐसी आती है कि यार राजनीति को छोड़ के अपने सामाजिक काम में रह जाओ, लास्ट मेरे कैबिन में सोचता हूँ कि ये छोड़ दो, कुछ गोत नहीं पाल नहीं, ये समाज की गंदगी है, ये तो गंदगी है। चलो अब राजनीति पे आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कांग्रेस ज्वाइन होने की बात है कुछ, ज्वाइन करवा? हाँ, मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ, बिना ज्वाइन की? हाँ बिना ज्वाइन किए टिकट तो कहाँ से मिल जाए किसके? चौधरी साहब कांग्रेस तो यूँ कह रही है कि जो एक साल से अब आ रहे हैं उनको टिकट नहीं देंगे, आप तो अभी ज्वाइन भी नहीं हुए, ये नेता कहें कुछ है करें कुछ है। अच्छा, आप भी जानते हो उम्र बीत गई और हमारी भी उम्र बीत गई, कोई पैमाना कहीं ने तोड़ना हो तो वो तोड़ देते, खुद ही तोड़ देते अपने हिसाब, मतलब जो रूल बनाए हुए हैं, हाँ कहीं ना कहीं रूल बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं, इनका काम है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है चाहे कोई और है, हम तो सीधे चुनाव एक आदमी से लड़े, 4 चुनाव लड़ाऊंगे, हाँ 3 हारा हूँ, हाँ 1 जीत गया, मैं तो कह रहा हूँ जनता से पलवल की जब भैया एक और जिता दो नहीं तो फारिक करूंगा। देखो सुभाष चौधरी के 4 चुनाव याद रहेंगे, 14 वाला कम रहे, 2009 का याद रहेगा, पहली बार करण दलाल को आपने हरा दिया, ये याद रहेगा लोगों को, हरियाणा में, पूरे हरियाणा, हरियाणा में एक डंका पिटा था यार, मान की मुझे लोग देखना आते, उसके बाद कभी हार जाए फिर कोई बात, पहला चुनाव हारने की बात थी। मैं मग्गू जी आपको बता दूं, चंडीगढ़ हॉस्टल में मुझे हरियाणा का आदमी देखना आता था कि क्योंकि करण दलाल गोला फेंकता था सारे हरियाणा में, मुझे कोई चोई भजन लाल हरा के देखे, मुझे चौटाला साहब हरा के देखे, आपने भी क्या इंटरव्यू देखे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल, और हमने वो ऐसा हराया कि वो 5-4 महीना तो ये पता लगा दलाल ना है, पागल हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, चलो चलो वो पर्सनल बातें आ गई, अब आते हैं अगली राजनीति पे, 2024 की तैयारी क्या आपकी? अब अगर कांग्रेस, पहली बात तो ज्वाइनिंग की लड़ाई, ज्वाइन करवा लें तो फिर टिकट की लड़ाई, टिकट दे दे तो फिर करण दलाल से लड़ाई, मैं दलाल से लड़ाई नहीं है, अच्छा टिकट मुझे मिल जाएगी दलाल से लड़ते रहो, दलाल भी लड़ो जहाँ मर्जी, लड़ाई दलाल से रही फिर भी, हाँ नहीं कहाँ रहेगी, बीजेपी किसे देती है किसे ना देगी, अच्छा है मतलब दो लड़ाई तो पक्की है, एक तो कांग्रेस में जाने की लड़ाई, हाँ एक चुनाव की लड़ाई, फिर चुनाव की लड़ाई, टिकट लेने की लड़ाई, हैं शामिल करवा लें फिर टिकट दें, नहीं मुझे टिकट दे फिर मेरी कोई लड़ाई ना, अच्छा मतलब आप पहले टिकट मांग रहे हो फिर ज्वाइन करोगे, वो टिकट दे तो ज्वाइन, मान लो कल को मान लो मुझे कांग्रेस भी धक्का देने लगी, हाँ बिना कारण, हाँ हाँ, तो वो ही होगा जो लोग कांग्रेस है मैं गए और कांग्रेस से छोड़ जाए, हाँ
तो मैं इसलिए कांग्रेस मेरे फाइनल हो जाएगी टिकट, ये ठीक है मैंने कहा लोग हाईकमांड में, हाईकमांड मेरी सुन भी रहा है हाँ। क्योंकि दलाल साहब की शिकायत बहुत है, बात चल रही है। अब ये भोले बाबा की मेहर रहेगी चुनाव लड़े, भोले बाबा के आप पे मेहर है, पड़ोस में देखो मैं तो भोले बाबा 35-40 साल हो गए मुझे हाँ। पड़ोस में भोले बाबा आपका भी है मेरा भी हाँ। हमारे तो घर को भोले बाबा बिल्कुल, तो इसलिए उस मेहर के कारण ही मैं वहां तक पहुंच पाया। और संभावना तो देखो मुझे है, मुझ पे ऐसे तो ना किसी की जेब में टिकट धरी है, मंगला की हिलगी जेब में ही हाँ। दलाल की जेब में एमपी की थी हाँ। वो हिल गई या जेब भी पट गई, फट गई। तो मैं उन चक्करों में पड़ता नहीं क्योंकि मेरी जेब में, मुझे आशा उम्मीद है कि हाई कमांड हाँ। इसके जो दलाल ने करा है दोनों चुनावों में, मेरी तो आपने पे भी बाइक होगी, ये तो कह रहा मैंने बीजेपी का बदला उतार दिया, वो बाइक है आप पे हाँ। जब वो बीजेपी के बदले उतार रहा है तो कांग्रेस को तो बट्टा बैठा रहा, फिर भी हाईकमांड ऐसे आदमी को टिकट देती है तो भाई हो सके जनता विदाई भी करने की तैयारी कर ले। दलाल सुभाष चौधरी जी, अगले सवाल बाद में आऊंगा, आपने एक बात कही कि वो कह रहे हैं बदला चुका रहे हैं बीजेपी वालों ने, जो आप दलाल साहब की बाइट बता रहे थे, बाइक है मैंने सुनी हुई है, मैंने सुनी है। इसका क्या मानते हैं, क्या स्तर है राजनीति का? कोई आदमी बीजेपी में है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हाँ, चलो मैं भी था बीजेपी में है हाँ? बीजेपी में रह करके वो बीजेपी की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है, कांग्रेस की मदद कर रहा है। कोई आदमी कांग्रेस में है, कांग्रेस में रह के कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है, दूसरी पार्टी की मदद कर रहा है। कोई आदमी लोकदल में है, लोकदल की जड़ों में मट्ठा, क्या समझते हो कैसी राजनीति है? हमें तो लगती नहीं, हमारा तो कई बार मन करता है इससे फ्री हो जाए क्योंकि कहीं कोई स्टैंड भी नहीं रहा। ये मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि मैं दलाल साहब को हाईकमांड क्यों टिकट दे, क्यों दे, कारण तो गिनवा है। दोनों एमपी के चुनाव में उससे दोनों एमपी के कैंडिडेट को हराए, अरे वो तो खुलेआम कहता है, आपको ध्यान होगा आप कहता तो, है, मैं सब काम खुलेआम करता हूँ हाँ। ओड्डा साहब को वेड्डा साहब, देखो दुर्भाग्य नहीं है कांग्रेस पार्टी का कि 9 के 9 क्षेत्र में मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री आवे, जो स्टेट में आज उनकी भविष्यवाणी भी है, आशा भी है लोगों ने कि मुख्यमंत्री उठा। चलो वो तो बात की बात है, कांग्रेस हाईकमान देखेगा हाँ। बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि 9 के 9 क्षेत्रों में हुड्डा साहब आए, ये किसी में नहीं गया। और दुर्भाग्य देखो कांग्रेस का ये कि अपने क्षेत्र में आने नहीं दिया, ये दुर्भाग्य ये बोल। जो पलवल का एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है जिसके नाम से आज हरियाणा में डंका बज रहा है, उस आदमी को आदमी नहीं समझ रहा, टिकट कट गया। हमने तो ये भी सुना कि बदतमीजी से बोला। चलो अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती, कोई बात नहीं बनती, तो सुभाष चौधरी क्या तैयारी है? देखो मैं पहले से आपको मग्गू जी ध्यान होगा, मैंने पहले भी कहा मेरे कोई टिकट दे देगा ना देगा, मैं पंचायत के थ्रू मैंने 7 तारीख को आज ऐलान कर दिया कि पंचायत बुलाऊंगा, थोड़े आदमी आओ उसमें ज्यादा हो, ना कोई गिनती 1000 आओ, 500 आओ, 200 आओ, 700 आओ, 2000 आओ, उनसे बैठ के चर्चा करूंगा कि भाई झूठ और वाह बकवास करने के, चुनाव लड़ते हो तो मेरी गाड़ी में बैठो और लड़वाओ, ना लड़ते हो तो तुम अपने घर में, मैं अपने घर, ये मेरा हाथ है। मतलब ये कि जनता पे फैसला छोड़ दिया, जनता पे छोड़ दिया 7 तारीख को, कोई भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो ना हो, ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क, अपने जो न्यारे प्यारे नजीकी दूर के सब उनसे बैठ के चर्चा हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। भाई मान लो 500 आदमी आ गए, मनी भाई तुम चुनाव लड़ोगे, उठावा भी शुरू करो, मेरे संग प्रोग्राम बनाओ, वोट मांगनी शुरू करो, ठीक है। ऐसे 500-700 लोग भी आ गए, 1000 आ गए यारे प्यारे लोग, आम जनता छोटी तो मुझे चाहती है, नेता नहीं चाहूं, नेता नहीं, नेता तो कैसे चाहेंगे नेता, ने तो मैं बर्दाश्त ही ना हूं, ठीक बात है। क्योंकि मैं अब कई ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं कहनी चाहिए, कई नहीं, देखो बीजेपी में कितनी लाइन लग रही टिकट की, खूब लंबी लाइन लग रही, ठीक। अब फारिग होगी हवा कांग्रेस की चली, सब फारिग होगी पलवल तो, बस 2-3 लोगों की चर्चा है, वो ज्यादा 12-15 तो फारिग हो गए। कांग्रेस में मैं ये कहता हूँ कई में और कहे कि माने दो दिन आप आया कांग्रेस से टिकट मांगे, मांग रो तो बता दो। कांग्रेस तो
पलवल में कांग्रेस का मतलब करण दलाल, करण दलाल का, ये ठीक है मंगू जी, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो मांगी कौन, जब करण दलाल मींस कांग्रेस हुआ, हाँ? कोई आदमी नहीं है उसमें, कुछ आदमी नहीं। आप सुभाष चौधरी को जाने ही नहीं दे रहे, जाने नहीं दे, कौन मांगेगा टिकट फिर आप? मैं वही कह रहा हूँ, दुर्भाग्य नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है हम सरकार बनाएंगे, मतलब अगर टिकट कांग्रेस ने अगर सही वितरण नहीं करे तो ये तो आप भी जानते हो, मैं तीनों चारों सीटों पे प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ? तो आपका प्रभाव है पूरे और आपकी बात के धनी है। आखिरी सवाल सॉरी साहब, हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी में अभी आपने खुद कहा कि लंबी लाइन थी, अब दो तीन चार ऐसे, हाँ, मैं जो अब छटाई हो गई है, उस छटाई में एक नाम निकल के आया था गौरव गौतम, आया था चर्चा कल पर, चर्चा हवा, मैं तो उनको हवा हवाई बातें मानता हूँ वैसे तो, हाँ। पर मैं तो ये मानता हूँ जब टिकट घोषणा हो जाएगी तो वो कैंडिडेट होगा। हाँ, हाँ, बस वही है। सुभाष चौधरी क्या मानते हैं, कौन बीजेपी में कौन लगता है आपको, क्या है दम? नहीं, ये तो बीजेपी वाले, चलो मैं क्यों, ये तो बीजेपी वाले क्या लेना, मैं क्यों, हाँ मुझे मुझे कोई पार्टी टिकट दे, हाँ हालांकि मैंने बीजेपी से मांग ना रहा, हाँ। लेकिन एक वैसे कह रहा हूं, हाँ। मैं दलाल को पटका दूंगा, ठीक बात है, मान लो, हाँ। मैं बीजेपी मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब मांगने क्यों जाऊं, कृष्णपाल गुर्जर बैठे, हाँ, हाँ? ना, ये तो वो दरवाजा छूट चुका, छूट चुका। तो इसलिए मैं जा रहा हूं, और मौका को देखेंगे, और कोई मौके से नहीं, मेरा ये लास्ट चुनाव होगा। हाँ। मेरी आम जनता से भी अपील है, 7 तारीख को भी कह दूंगा मेरा आप चुनाव है, और भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरा ये लास्ट चुनाव होगा, और मैं ये चुनाव जनता फैसला करेगी, तो मैं नहीं लड़ रहा। हाँ। सुभाष चौधरी का फैसला नहीं है, नहीं है, अब जनता का फैसला। हाँ। अगर जनता कहेगी तो लड़ेंगे, ना करेगी नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात। ये सुभाष चौधरी, पलवल और ब्रिज में अगर आप जाएं तो सुभाष चौधरी का नाम आप पूछ सकते हैं, अपनी बात के लिए धनी माने जाते हैं। मैंने आपको बात बताई, सुभाष चौधरी के मन में एक टीस है आज, उस बात को उन्होंने बोल दिया कि एक कहते हैं ना कि बड़े अरमान से रखा था सनम तेरी कसम प्यार की दुनिया में, तो एक दुनिया थी, महेंद्र प्रताप जी के साथ चुनाव में लगे थे, उम्मीद थी कि वो साथ देंगे, पहले जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, इसलिए टीस है। सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव का फैसला अब जनता पर है, 7 तारीख को लोगों को बुलाएंगे, अगर लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो सुभाष चौधरी का फैसला जनता के साथ में है। ये चुनावी सीजन है और चुनावी मौसम में नित नई हस्तियों से आपके मैं मुलाकात कराता हूँ। आज की मुलाकात सुभाष चौधरी के साथ थी, कल फिर किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।